पपा रालोद गठबंधन में टिकटों की घोषणा के बाद कुछ सीटों पर बहुत अधिक विरोध हो रहा था। सबसे अधिक विरोध की बात करें तो वह सिवाल खास और छपरौली सीट पर टिकट को लेकर रहा। छपरौली पर तो क्षेत्र के लोगों की मांग पर जयंत चौधरी ने टिकट में फेरबदल किया। वीरपाल राठी की जगह प्रोफेसर अजय कुमार को उम्मीदवार बनाया गया। सिवाल खास पर सपा नेता एवं पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को उम्मीदवार बनाया गया है। रालोद नेता राजकुमार सांगवान, सुनील लोटा भी इस तर्क के साथ मजबूत दावेदारी कर रहे थे कि दशकों से वह पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी ने समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गुलाम मोहम्मद के नाम पर सहमति जता दी। इसके पीछे कारण 2017 का चुनाव भी था जिसमें भाजपा की लहर थी। गुलाम मोहम्मद 11,421 वोट से चुनाव हारे थे। रालोद के उम्मीदवार यशवीर सिंह को 44,710 और बसपा के उम्मीदवार नदीम अहमद को 42,524 वोट मिले थे। ऐसे में समीकरण के हिसाब से गुलाम मोहम्मद सबसे मजबूत प्रत्याशी आके गए, लेकिन टिकट का भारी विरोध हो रहा था। 19 जनवरी को जयंत चौधरी के दिल्ली आवास पर रालोद के नेता, कार्यकर्ता और दावेदारों के समर्थक बड़ी संख्या में जमा थे और टिकट बदलने की पुरजोर मांग की जा रही थी। विरोध के बीच जयंत चौधरी की पत्नी चारू ने ट्वीट किया कि जयंत चौधरी ने 15 महीने पहले लोगों से पूछा था कि अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम पर ही लड़ना है तो मुझे पहले ही बता दो, मैं दिल्ली में अपने घर में खुश हूँ। इसके बाद चारू ने लिखा कि आप लोगों ने इतनी आफत क्यों मचा रखी है। अंत में चारू ने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि बड़े चौधरी के बिना ये पहला चुनाव है और आप लोगों के साथ की जरूरत है। वहीं जैन समर्थकों को समझाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। समझाते समझाते दिन से रात हो गई और जयंत का सब्र भी जवाब दे गया और वह भावुक हो गए। सूत्रों के अनुसार जयंत ने कहा कि जो फैसला लिया है वह सोच समझकर ही लिया गया है। उम्मीद थी कि पार्टी के मेरे अपने इस बात को समझेंगे, लेकिन विरोध किया जा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम पर ही लड़ना है तो मुझे पहले ही बता दो, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो अब क्या हो गया। जयंत के भावुक होते ही सन्नाटा पसर गया और सन्नाटा भी ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज आए, बस फिर क्या था। रालोद से जुड़े बुजुर्गों ने कहा कि बेटा दिल छोटा मत कर, हम सभी तो बस अपनी बात कहने आए थे, चिंता न कर, तेरे हर फैसले के साथ थे और हैं और रहेंगे। इसके बाद माहौल हल्का हुआ और जयंत ने भरोसा दिया कि पार्टी के लिए काम करने वालों का पूरा सम्मान होगा। जयंत के भावुक होने के बाद माहौल बदला है, काफी दावेदारों के तेवर भी नर्म हो गए हैं। शामली सीट पर भी टिकट वितरण का विरोध हुआ था, लेकिन प्रमुख दावेदार विजेंद्र मलिक की नाराजगी अब दूर हो गई है, लेकिन पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल ने पार्टी छोड़ दी है। दरअसल वह अपने बेटे अखिल बंसल के लिए शामली सीट से टिकट मांग रहे थे। वेस्ट यूपी में एक बात की चर्चा है कि अगर सपा रालोद का वोट बैंक एक साथ हर सीट पर आ गया तो भाजपा के लिए जीत बेहद कठिन होगी।